हम लोग आ गए हैं साउथ बीच ऑफ मायामी, जो कि वर्ल्ड फेमस है। वर्ल्ड फेमस बीच, सबसे ज़्यादा फुटफॉल यहाँ पर है। साल में टूरिस्ट कितना आते हैं इसके बेसिस पे जो बीचेस को एक रैंकिंग देते हैं, उस रैंकिंग में नंबर वन में आता है साउथ बीच ऑफ मायामी। एग्जैक्ट नंबर में भूल गया कितने लोग यहाँ पर आते हैं एज टूरिस्ट। सो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। पार्किंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, पार्किंग इज वन आवर वी स्पेंड जस्ट टू फाइंड द पार्किंग, और वो भी लास्ट में जाके पार्किंग हमें मिला। एंड द पार्किंग कॉस्ट इज $50, सो लाइक इट्स क्वाइट समथिंग। $50 मतलब अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे तो 4,000 रुपये का पार्किंग खाली। सो ये फिर भी वी आर फॉर्चुनेट कि हमें मिल गया पार्किंग। बहुत लोगों को तो अभी भी पार्किंग नहीं मिला, वो चक्कर काट रहे हैं अराउंड इस एरिया में जो रोड्स हैं। सो फॉर्चुनेटली वी आर हियर एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द बीच, साउथ बीच ऑफ मायामी। और लेट्स सी कैसा है भाई। ऐसा भी क्या है कि इतने सारे लोग आए हुए हैं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि कितने गाड़ी चारों तरफ से आए हुए हैं। आज यहाँ पर संडे है वैसे खास करके, ये एक और रीज़न है कि भीड़ थोड़ा ज़्यादा ही है। बट आई डोंट नो अदर डेज में भी कुछ डिफरेंट होता है कि नहीं। सो लेट्स सी, बीच हमारे सामने दिख रहा है, अब मैं कैमरा घुमा के आपको दिखाता हूँ।
বালতি আছে না सी बीच घूमना हम लोगों का हो गया और एक शब्द में कहें तो इसको कह सकते हैं स्प्लेंडिड, मतलब बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का बीच देख के। इतना हैपनिंग है, इतना साफ सुथरा है, इतना भीड़ है, बट स्टिल बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत ही साफ सुथरा है, टोटली क्लीन बीच। और पानी बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी टेम्परेचर काफ़ी हाई है, 70s में फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, तो इसलिए पानी में भी जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा बीच, मतलब ऐसा बीच बहुत कम जगह देखने को मिलता है, इतना क्लियर वाटर, इतना जो है वेल मेंटेन्ड। नाउ सी बीच से हम लोग का बाहर आ गए। सो नाउ कहीं भी सी बीच अगर होता है तो उसके जस्ट पैरेलल में एक बीच रोड होता है, जिसके दोनों तरफ रेस्टोरेंट्स होता है, हैपनिंग प्लेसेस होता है, होटल होता है। तो ये एक बड़ा अट्रैक्शन होता है किसी भी जो ऐसे सी बीच है, सी बेस्ड जो टूरिस्ट प्लेसेस है उनका, एंड मायामी इज़ नो एक्सेप्शन। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो रोड है, ये पूरा गया है, मतलब पूरा जो है सी के पैरेलल में जा रहा है, 2-3 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा। ये देख सकते हैं पूरा इधर भी जा रहा है, पीछे की तरफ भी है, और इसके दोनों तरफ काफ़ी जो है होटल्स और रेस्टोरेंट भी हैं, होटल रेस्टोरेंट स्टोर सब कुछ है। और क्योंकि अभी इवनिंग हो गया है तो चारों तरफ लाइट के साथ एक अलग जो है यहाँ पर एटमोसफियर बन गया है। हम लोग यहाँ पर कुछ देर स्पेंड करेंगे और प्लान है यहीं पर डिनर करने का। डिनर के बाद हम लोग, गाड़ी हमारा सामने पार्क्ड है, जैसे कि आपको पता है बड़े मुश्किल से पार्किंग मिला था, तो इतनी जल्दी हम ये जगह छोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि एक बार चले गए तो वापस नहीं आ पाएंगे, इतना पार्किंग का यहाँ पर ये सिचुएशन है। डिनर करके हम लोग अपने होटल में जाएंगे, विच इज़ लाइक सम वॉट हाफ एन आवर ड्राइव फ्रॉम हियर। सो अब ये घूम के देखते हैं, और ये जो ओशन ड्राइव इसका नाम है, बिकॉज ओशन के जस्ट साइड में ही है, तो ओशन ड्राइव में आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या है और वहाँ का अभी जो है इस टाइम कैसा एटमॉस्फेयर है।